थक गया हूँ तेरी मजदूरी करते करते, कि मैं थक गया हूँ तेरी मजदूरी करते करते, ऐ जिंदगी किसी शाम एक कप चाय तो पिला दे। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, एक गज़ल लिखी थी चंद रोज़ पहले कश्मीर में बैठकर, तो वो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं लिखता हूँ कि तेरे बाद जाने के तू हर पल याद आएगी, कि तेरे बाद जाने के तू हर पल याद आएगी, किसी के मुस्कुराने पे तू मुझको याद आएगी, किसी के मुस्कुराने पे तू मुझको याद आएगी, और कभी आई ना देखूँगा कभी खुद को निहारूँगा, मैं कभी आई ना देखूँगा कभी खुद को निहारूँगा, मैं जब भी खुद को खो दूँगा तू मुझको याद आएगी, मैं जब भी खुद को खो दूँगा तू मुझको याद आएगी, और खिलेंगे फूल बागों में वो जब जब सर्द मौसम में, खिलेंगे फूल बागों में वो जब जब सर्द मौसम में, और फिर इन गुलाबों में तू मुझको याद आएगी, और कभी झीलों से शिकवे तो कभी शिकवे पहाड़ों से, कभी झीलों से शिकवे तो कभी शिकवे पहाड़ों से, मैं जब भी इनको देखूंगा तू मुझको याद आएगी, कि मैं जब भी इनको देखूंगा तू मुझको याद आएगी, और यहाँ इन सर्द रातों में जो ये चांद ढलते हुए, यहाँ इन सर्द रातों में जो ये चांद ढलते हुए, जो मेरा हाल पूछेगा तू मुझको याद आएगी, जो मेरा हाल पूछेगा तू मुझको याद आएगी, और वो तेरा आखिरी मिलना वो तेरा आखिरी तोहफा, वो तेरा आखिरी मिलना वो तेरा आखिरी तोहफा, मैं जब वो शर्ट पहनूंगा तो मुझको याद आएगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों। और एक शेर है, वो थोड़ा सा मतलब एक एक्सपीरियंस पे लिखा हुआ है मैंने, मैं लिखता हूँ कि वो दिखती है हकीकत में भी ख्वाबों की तरह, जिसकी आँखें हैं बिल्कुल किताबों की तरह, वो दिखती है हकीकत में भी ख्वाबों की तरह, जिसकी आँखें हैं बिल्कुल किताबों की तरह, और उससे एहसास मांगा था उसकी कॉपी के बहाने, कि एक एहसास मांगा था उससे उसकी कॉपी के बहाने, मेरा बस्ता महक उठा उस दिन गुलाबों की तरह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्तों। और एक छोटी सी गज़ल और है, वो भी मतलब कॉलेज जाने के बाद ही जब किसी से रूबरू हुए तो लिखी थी। मैं लिखता हूँ कि उसका एक ख्याल आते ही मैं कुछ यूँ हंस जाता हूँ, कि उसका एक ख्याल आते ही मैं कुछ यूँ हंस जाता हूँ, यहाँ दोस्त बगल में बैठे होते और फिर मैं फंस जाता हूँ, यहाँ दोस्त बगल में बैठे होते और फिर मैं फंस जाता हूँ, और इन जगी हुई आँखों में सपने सपनों में उसी को पाता हूँ, कि इन जगी हुई आँखों में सपने सपनों में उसी को पाता हूँ, और जो एक दिन बस बात ना हो तो यादों में खो जाता हूँ, कि जो एक दिन बस बात ना हो तो यादों में खो जाता हूँ, और यूँ तो हर महफिल में मैं उसकी मुस्कान जताता हूँ। और अगली लाइन समझ में आए तो बताना दोस्तों, कि यूँ तो हर महफिल में मैं उसकी मुस्कान जताता हूँ, मैं उसकी एक हंसी का कायल मैं उस पर मर जाता हूँ, मैं उसकी एक हंसी का कायल मैं उस पर मर जाता हूँ, और अक्सर उससे मुलाकात में मैं खुद में खो जाता हूँ, कि अक्सर उससे मुलाकात में मैं खुद में खो जाता हूँ, और मैं उसकी आंखों का काजल देख सदा कह जाता हूँ, यार तू मेरी होकर रहना मैं बस तुझको चाहता हूँ, यार तू मेरी होकर रहना। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं बस तुझको चाहता हूँ। और एक शेर और है आखिरी, उसके बाद मैं जगह लूँगा। मैं कहता हूँ कि एक्चुअली मेरे साथ एक इवेंट मतलब एक पास्ट है, उसमें क्या था, मुझे एक गिफ्ट मिला था और एक कॉम्प्लीमेंट, वो शेर में आप लोग समझ जाएंगे। मैं लिखता हूँ कि हर पल अपनी रसवाई का मैं याद रखूँगा, मैं गम तेरी जुदाई का भी याद रखूँगा, कि हर पल अपनी रसवाई का मैं याद रखूँगा, मैं गम तेरी जुदाई का भी याद रखूँगा, और तूने कहा था अभिषेक काली शर्ट में कमाल लगते हो, वो तोहफा बेवफाई का मैं याद रखूँगा।